हरीश रावत और करण माहरा के बीच अहम मुलाकात है और कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच ये मुलाकात काफी अहम बताई जा रही है। तो नेता प्रतिपक्ष से नाराज चल रहे थे कई कांग्रेस के विधायक, जहां पर हरीश और करण माहरा की मुलाकात के बाद विधायकों की जो तेवर है वो नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इंदिरा हृदयेश के लिए ये राहत की खबर मानी जा रही है। दरअसल नई कार्यकारिणी गठित होने के बाद से गुटबाजी जो है वो कांग्रेस में उत्तराखंड में जाहिर तौर पर सामने आने लगी है, और उसके बाद से ही ये कोशिशें थी कि आखिरकार ये गुटबाजी जो है वो खत्म कैसे की जाए। लेकिन बड़ी खबर ये देहरादून से, जहां हरीश रावत और करण माहरा के बीच एक मुलाकात, और इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है कांग्रेस में चल रहे घमासान को देखते हुए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष से जिस तरह से कांग्रेस के विधायक नाराज चल रहे हैं, करण माहरा और हरीश रावत की मुलाकात के बाद वो विधायकों के तेवर जो है वो कहीं ना कहीं नरम पड़ रहे हैं। तो गुटबाजी खत्म करने की पूरी कवायद यहां पर दिख रही है, यानी कि शायद अब जल्द ही उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं के बीच जो अब तक सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था वो आने वाले वक्त में ठीक हो सकता है। कोशिश तो यहाँ पर यही है और मुलाकात का मकसद भी यही, करण माहरा और हरीश रावत के बीच का। और देखना होगा कि क्या जो महज अभी नाराजगी दूर करने की बात की जा रही है, क्या वो आगे कम होगी या फिर आने वाले वक्त में और भी बढ़ सकती है। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश से नई कार्यकारिणी के गठित होने के बाद गुटबाजी यहां पर खुलकर सामने आ गई थी। और देहरादून से ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या माने कि मुलाकात काफी अहम इसलिए कि शायद आने वाले वक्त में गुटबाजी खत्म हो जाए? देखिए, ये मुलाकात जो हुई है वो हरीश रावत और उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा के बीच में कल रात में हुई थी, और लगभग एक घंटा ये मुलाकात हुई है। और साफ तौर पर जो गुटबाजी खत्म होने की जो बात थी उसको लेकर भी काफी उसमें इंदिरा हृदयेश को अब राहत इस बात की है, क्योंकि जिस तरीके से कार्यकारिणी गठन के बाद साफ तौर पर कई विधायकों ने साफ कह दिया था कि हम दिल्ली जाएंगे, सोनिया गांधी से मिलेंगे और इंदिरा हृदयेश की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को हिला के रख देंगे, लेकिन हरीश रावत ने लगता है अपने इन तमाम जो उनके साथी हैं, उनके जो करीबी हैं, उनको मना लिया है इस बात के लिए कि अभी दिल्ली चुनाव है, इसलिए अभी कुछ भी ऐसा ना करें कि जिससे पार्टी को नुकसान हो। ऐसे में तमाम नेताओं को ये भी कह दिया है, वो अपने जितने विधायक हैं, 8 विधायक जो हरीश रावत खेमे के माने जाते हैं, उनको ऋतु जी ये कह दिया गया है कि आप दिल्ली में जाएं, दिल्ली में प्रचार करें, सोनिया गांधी की और राहुल गांधी से मिलकर इंदिरा हृदयेश की शिकायत ना करें। तो हरीश रावत के साथ कल रात में एक घंटे की मुलाकात करण माहरा की हुई है, उसके बाद से इनके इनके तेवर जरूर नरम पड़े हैं और इंदिरा हृदयेश के लिए सुकून भरी खबर है। चलिए, धन्यवाद आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।